सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों के साथ साथ बाहर का कामों में भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो आज है संडे, ये संडे का ब्लॉग है। अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो जाएगी क्योंकि अभी चल रहा है कुछ प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहा है तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ गाइस, तो इसीलिए आज ब्लॉग अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गई मैं। तो चलिए, अभी संडे का है तो बहुत ही कम सब्जी है, तो हम जो औरतें हैं सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। क्या करें, कभी कुछ होता है कभी कुछ नहीं होता है, फिर भी हम यामी लंच बनाने की कोशिश करते हैं हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। तो जो भी घर में बचा कुचा था उसी से मैं आज बनाऊंगी सब्जियां। और दाल चढ़ा दिया है, राइस चढ़ा दिया है, और एक साइड में मैं अभी सब्जियां कट कर रही हूँ। हफ्ते का लास्ट है तो इसीलिए ज़्यादा सब्जियाँ बचा नहीं है, क्योंकि अभी मैं बहुत ही कम सब्जी लाने को बोलती हूँ हस्बैंड को। एक हफ्ते से ज़्यादा अगर फ्रिज में सब्जियाँ पड़ रही है ना तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो चलिए, जो भी था उससे ही मैं आज लंच बनाऊंगी, एकदम वेज सिंपल सा, फटाफट से बन भी जाएगा। ऑलरेडी मैं बहुत आज लेट भी हो चुकी हूँ, तो यहाँ पे गोल गोल करके मैंने बैंगन काट लिया है, हाफ ही बैंगन था, तो इसको मैं फ्राई करूँगी अभी। और साथ में थोड़ा सा कद्दू, लौकी और पपीता था, उसको भी कट कर लिया। इसको डाल के साथ सब्जी बनाएंगे जैसे कि मैं बनाती हूँ, और थोड़ा सा मैंगो भी कट कर लिया, चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करना स्टार्ट भी कर दिया है। और जो प्रॉब्लम मैं बोल रही थी आप लोगों को, प्रॉब्लम ये बेटू के एडमिशन की तो एक प्रॉब्लम चल ही रही थी, उसका एक डॉक्यूमेंट्स पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो वो भी अभी सॉर्ट आउट हो गया है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल में सारे डॉक्यूमेंट जमा भी कर दिए हैं। और आज ये तो संडे का ब्लॉग है, तो मतलब ये आएगा, आ रहा है, मतलब आएगा, आप लोग देख पाओगे ट्यूजडे को। तो मंडे को ही सारे पेमेंट भी कर दिया हमने, स्कूल में फीस भी जमा कर दिया है, तो एकदम मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस गर्मी का छुट्टी ख़त्म होने की देर है, तो फिर स्कूल बेटू जा पाएगी। तो बेटू भी एक साल पूरा बोर हो गई घर में बैठे बैठे, बेचारी क्या करे, अगले साल जो रूल्स नया तैयार हुआ था उसके बदौलत अभी क्या करे। तो एक साल ऐसे ही गया, इस साल और मतलब गंवाना नहीं चाहते थे हम, तो जितना जल्दी हो सके उसका स्कूल में एडमिशन करवाना ही सही है, वैसे भी उसका एज भी हो रहा है अभी। तो चलिए, अभी देखिए मैं कट करने वाली हूँ अपना बाल, लगभग 6-7 महीना हो गया है कट नहीं की हूँ। सोच रही थी कि लंबा करूँ, पर ऐसे सिचुएशन आ जाता है ना कि बाल जब भी मेरा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, और अभी तो गर्मी का सीज़न है तो स्कैल्प जो है हर वक्त गीला ही रहता है पसीने के मारे, तो इस वजह से बाल भी झड़ने लगता है ज़्यादा। तो क्या करूँ, काट दिया। तो 5 इंच के करीब मैंने बाल अपना काट दिया। अभी पता नहीं 5 इंच कितने टाइम लगेगा बढ़ने में, तो चलिए कट तो कर लिया है, अभी देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताना। ज़्यादा छोटा नहीं, मतलब ऐसे छोटा बाल मैंने पहले भी काटा है, आपने देखा भी होगा, डुगू का राइस सेरेमनी के बाद भी मैंने बाल ऐसे ही कर लिया था एकदम छोटा। तो अभी ठीक है, अभी दोनों साइड में छोटा छोटा बाल मैं कट करूँगी, क्योंकि ये दो साइड से ना बाल थोड़ा सा लंबा रहता है ऐसे कट करने के बाद भी, तो ये कट कर लूँगी तो बाल एकदम सही से कट हो जाएगा। तो ऐसे कट करने से क्या होता है ना, किसी को ज़रूरत नहीं होता है बाल कट करने में, आप खुद ही अपना बाल घर में कट कर सकती हो जब भी आपका मन करे। सो चलिए, हो गया है, अभी मैं जाऊँगी नहाने, कुकिंग भी हो चुका है कम्प्लीट, तो अभी कोई बात नहीं है। अभी नहा कर आने के बाद मैं बैठ चुकी हूँ डुगू को लंच करवाने के लिए, उसको नींद आ भी गया है। तो अभी मैं देखिए तैयार हो चुकी हूँ, अभी शाम का टाइम हो रहा है 5:30। एक बहुत ही पुराना कुर्ती मैंने पहना है, आप लोगों को याद होगा कि नहीं पता नहीं, आप जब मैं पहली बार ब्लॉग स्टार्ट करी मतलब किया था तब शायद आप लोगों ने देखे होंगे। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा पार्क जाएंगे और जाएंगे मार्केट, क्योंकि आज मैंने बोला संडे है, तो संडे में यहाँ पे जो सब्जी मंडी बैठता है वहाँ पे जाएंगे, सब्जी खरीदेंगे वो भी एक हफ्ते के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं पार्क, तो बच्चे थोड़ा सा खेल लें मस्ती कर लें फिर चलते हैं। अभी भी डरता है ये सारे चीज़ों में, वैसे अभी उसको तो इतना आदत भी नहीं है,
तो इसीलिए वो डर जाता है। और बेटू घर में जब होती है तो बताए पार्क जाऊंगी पार्क जाऊंगी पार्क जाऊंगी, और जब पार्क आ जाती है तो उसको पता नहीं चलता है कि इसको किस में खेलना है, तो इसमें खेलूँ या फिर उसमें खेलूँ। वो चाहती है कि पूरा एकदम क्लियर हो पार्क, वो अकेली हो और अकेली खेलती रहे। तो ऐसा हो सकता है क्या बोला? तो उसको समझाते समझाते आधा टाइम ख़त्म हो जाता है। और ये फ्लावर्स है ना सनफ्लावर्स, जब हम जनवरी के लास्ट में आए थे तब ये लगाया हुआ था, अभी फ्लावर देखिए आ गया है। तो पार्क से आने के बाद हम अभी आ चुके हैं मार्केट में, और पार्क में हमने मोमो खाए, आइसक्रीम खाए, फिर आई हूँ और अभी सब्जियाँ खरीद लेते हैं। और आज के दिन में यहाँ पे मतलब ढेर सारा दुकानें बैठते हैं और प्राइस भी रिजनेबल होता है, पर गर्मी के कारण अभी गर्मी का सीज़न है तो इसलिए दाम थोड़ा सा बढ़ चुका है सारी चीज़ों का। तो अभी हम घर आ चुके हैं सारी सब्जियां वगैरह लेके, अभी टाइम हो रहा है 8 और 8 बजे मैं अभी इन सारी चीज़ों को क्लीन करूँगी। आने के बाद मैंने बर्तन क्लीन किया क्योंकि बर्तन बिना धोए ही मैं आज चली गई थी, तो इसलिए बर्तन आके क्लीन किया। अभी जो फ्रूट्स मैं लेके आई हूँ वो क्लीन कर रही हूँ, फिर जो सब्जियाँ लेके आई हूँ वो भी क्लीन करूँगी। साग वगैरह जो लेके आई थी वो प्लास्टिक में भर के रख दिया है क्योंकि वो अभी मतलब साफ करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। डुगू को वैसे ही भूख लग चुका है तो वो रोने लगा है अभी से ही, तो फटाफट से उसको एक रोटी बना के पहले खिलाऊंगी, फिर हम हमारे लिए कुछ बनाएंगे। तो चिकन भी लेके आए हैं तो चिकन भी बनाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सो ये सब्जियाँ जो लाए हैं वो वॉश कर दे, उसको पानी अभी चढ़ने के लिए रख दूँगी। ये मिर्च है जो गोल गोल आप देख रहे हो, और अभी चलिए चिकन को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। चिकन थोड़ा सा ज़्यादा करके लाए तो आधा रख दूँगी आधा आज बनाऊँगी, इतना सारा चिकन एक साथ थोड़ी ख़त्म कर पाएंगे। तो चलिए इसको अच्छे से मैंने देखिए वॉश कर भी लिया है, अभी कुछ पकौड़ा भी बनाऊँगी। बोनलेस चिकन भी लेके आई थी साथ में पकौड़ा बनाने के लिए, बहुत दिनों से पकौड़ा नहीं बनाए थे, कुछ दिनों से हम सिर्फ मोमो ही बना रहे थे तो पकौड़ा नहीं बनाना हुआ। तो बेटू बोली कि आज पकौड़ा बनाओ, आज मोमो नहीं खाएंगे, मोमो तो हम बाहर से आज खा के आए हैं। तो फटाफट से थोड़ा सा पकौड़ा तल लूँगी और फिर चिकन करी और रोटी बनाएंगे। थोड़ा सा तो आज लेट हो ही जाएगा ऑलरेडी, जैसे कि मैंने बोला कि 8 बजे हम लोग घर आए थे, तो घर आने के बाद मैंने इतना सारा काम कर चुकी हूँ और फिर ये बनाऊँगी फिर चिकन करी बनाऊँगी। तो आज बहुत लेट हो चुकी थी, लगभग रात के 10 बज चुका था हमें डिनर करते हुए। सो अभी मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, पहले हस्बैंड ने बोला कि मैं चिकन बनाऊँगी, जब उन्होंने देखा कि बहुत लेट हो चुका है मतलब ऑलरेडी 9 बज चुका था, तुम ही बनाओ क्योंकि मैं बनाने जाऊँगी तो रात के 11 बज जाएंगे, तो किसी और दिन मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे अभी मैं रोटी बना रही हूँ, चिकन करी एक साइड में चढ़ा दिया है वो हो रहा है, और बेटू डुगू को चिकन करी मैंने कुकर में चढ़ा दिया था, तो बेटू मतलब डुगू को भी चिकन खाना था, आज चिकन हो रहा है तो उसको खाना है। और अभी फटाफट से रोटी सेकूंगी और उन दोनों को खिलाऊंगी, क्योंकि उन दोनों के लिए मुझे ज़्यादा हड़बड़ाहट होता है क्योंकि कहीं भी बाहर जाओ ना तो बच्चे को खाने में थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। सो ये बन रहा है हमारा चिकन करी, अभी थोड़ा सा टाइम है तो चलिए ये बनता रहे धीरे धीरे। रोटी बन चुका है, बेटू डुगू को खिलाती हूँ और इस ब्लॉग के ही बैंड करती हूँ। बाय बाय।